बहुत पुरानी बात है, एक बार एक भाई और एक बहन अपने कमरे में रहते थे। मम्मी पापा गुजर गए थे, दुनिया में नहीं थे, लेकिन कुछ समय के बाद ये अपना हंसी खुशी से रहने के लिए बहुत ही परिश्रम करते थे। लेकिन काफ़ी समय के बाद बहन को एक बीमारी हो गई, जिसमें वो समय समय पर उठती और गिर जाती। इस समस्या के समाधान के लिए भाई ने कुछ सोचा और उसके बाद उसने बहुत लोगों से पूछा, तो सब ने यही कहा कि इसको चुड़ैल ने पकड़ रखा है, चुड़ैल पकड़ रखी है इसको, जाओ तुम पहले किसी तांत्रिक से मिलो। फिर लड़का तांत्रिक के पास के लिए जाने के लिए तैयार होता है। अपनी बहन से वो बोलता है, बहना चलो मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, लोगों ने बताया उसके बारे में, चलो हम उसके पास चलते हैं और तुम्हारी समस्या का समाधान ढूंढते हैं। और इतना कह के दोनों चल पड़े। बहुत ढूंढते ढूंढते वे तांत्रिक के पास पहुँचे और फिर लड़का बोलता है, बहना वो बहना देखो, ये देखो हमारे बाबा का, तांत्रिक बाबा का घर यही है, वो यहीं पे रहते हैं, आज तुम्हारी समस्या का समाधान हो के रहेगा। बहना हम लोगों ने बहुत झेल लिया है, तुमने बहुत झेल लिया मेरी बहना। और ऐसा करके वो तांत्रिक के पास जाने लगे। उन्होंने देखा कि तांत्रिक हमारे सामने खड़े हैं, फिर वो दोनों तांत्रिक के पास पहुँच गए। लड़के ने अपनी पूरी आपबीती सुनाई कि मेरी बहन पहले कैसी थी और अभी कैसे हो गई है, सब हाल उसने बता दिया। और तांत्रिक बोला, ठीक है मैं देखता हूँ तुम्हारी बहन को क्या हुआ है। देखिए बाबा ऐसी होता है, तांत्रिक बोला बस मैं तुम्हारे घर चल जाता हूँ जहाँ पे तुम लोग रहते हो। फिर इन सब ने घर जाने का प्लान बनाया और जब घर पहुँचे तो तांत्रिक ने यहाँ पे सब कुछ जायजा किया और देखा उसने कि यहाँ पे इस लड़की को चुड़ैल ने पकड़ रखा है। बच्चा इसको चुड़ैल ने पकड़ रखा है, होली के समय जब ये रंग लेने गई थी तभी वहीं पे चुड़ैल थी, चलो चलते हैं वहाँ पे। फिर वहाँ पहुँचे और तांत्रिक सब कुछ समझ गया कि यहाँ पे चुड़ैल कैसे आई थी, कैसे उसके शरीर में घुस गई थी। और फिर तांत्रिक ने उस लड़के को बताया कि यहाँ पे चुड़ैल थी और यहाँ पे इसके शरीर में घुस गई है, समझे। इसके बाद तांत्रिक ने चुड़ैल को निकालने का वादा किया, फिर वो उनको अपने जगह पे ले कर जहाँ पे चुड़ैलों को निकालता है। ये सब उससे देखते हुए चुड़ैल उनके साथ चल रही थी, लेकिन बहुत ही चिंता में थी कि तांत्रिक क्या करेगा उसके साथ। उसके बाद तांत्रिक ने अपना मंत्र पढ़ना शुरू किया, चुड़ैल थोड़ा किनारे हुई लेकिन अभी वो अलग नहीं हुई थी, वहाँ से गई नहीं थी। उसके बाद से तांत्रिक ने फिर से अपना मंत्र पढ़ा, जादुई मंत्र। उसके बाद से लड़की ठीक होने लगी थी, लड़का बोला ये तो ठीक हो गई है। फिर चुड़ैल बोलने लगी, माफ़ कर दो मुझे, मैं इसके शरीर से निकल जाऊंगी, मैं जा रही हूँ, ऐसा करके वो चली गई। दोस्तों कैसी लगी आपको ये स्टोरी, अच्छी लगी प्लीज़ यार लाइक।